नमस्कार, कैसे हो? रिकॉर्ड कैसे डाल रहे हो? रिकॉर्ड इसलिए डाल रहे हैं, लाइव में थोड़ी ज्यादा चर्चा, बातें ज्यादा होती है, इतना आपके पास टाइम कहाँ है? कोरोना के टाइम आप कितने बिजी रहते हो, फेसबुक आपको चलाना पड़ता है, व्हाट्सएप चलाना पड़ता है, इधर उधर की न्यूज़ें लेनी पड़ती है, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, गर्म पानी पियेंगे, शाम को कुल्ला करेंगे, टेबलेट वगैरह हमेशा अपने पास रखेंगे। तो अपने को तीन हो चुके हैं, मूल अधिकार हो चुके हैं। मूल अधिकार के बाद आज हम नीति टेस्ट जो है वो लाइव ले लूंगा और ये टॉपिक जो है अपलोड करता जाऊंगा, क्यों जैसे ही टाइम मिलता है। आजकल आपको भी पता है समस्याएं ज्यादा हो रही है। चलो देखिए हमारा क्या चल रहा था। देखो मूल अधिकार, पहले तो इस चीज को समझो कि व्हाट इज दिस। अगर ये समझ गए तो फिर बात पूरी समझ में आ जाएगी। समझो, देखो मूल अधिकार, फिर बात आती है मूल कर्तव्य, ठीक है, और इसके बाद आपका आता है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व मूल अधिकार, अधिकार हमें मिले, कहते हैं नहीं ये हमारा अधिकार, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये हमारा अधिकार है। तो अधिकार तो वो हो गया, कोई समस्या नहीं है। यानी आपको संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों की पालना करवाई जाएगी। अगर वो अधिकार आपको नहीं मिलेंगे तो उसके लिए कोर्ट है, वो संविधान वो अधिकार आपको देगा। ठीक है गुरु जी, बात सही है। इमापनों की कोई नहीं, अपन दियो है, कोई पुण दियो है, अपनों संविधान दियो अपन। मूल कर्तव्य का मतलब ये है कि सिर्फ संविधान ही सब कुछ थोड़ी करे यार, तुम भी तो कुछ करो, तुम्हारे अपने भी तो कुछ कर्तव्य है। बिल्कुल है, यानी अधिकार तो जो है वो हमें संविधान देता है कि ये अधिकार है, तुम ये कार्य करो। मूल कर्तव्य वो है जो हमें पालना करनी है, अधिकार हमें दिए है, कर्तव्य हमें अपने हिसाब। लेकिन नीति निदेशक एक तरीके का कर्तव्य ही है, लेकिन हमारा नहीं है, किसका है? राज्य का है। राज्य शब्द के अंदर वही आएंगे जो मूल अधिकार में राज्य के अंदर आए थे, वही यहां राज्य के अंदर आए, जैसे केंद्र सरकार है, संसद है, राज्य सरकार है, वो सारे राज्य के अंदर आएंगे। सर समझा कौन? और बताओ, मूल कर्तव्य व्यक्ति के हमारे, जबकि नीति निदेशक तत्व है एक तरीके के मूल कर्तव्य किसके लिए? राज्य के। आप अच्छे इंसान कब बनोगे? आपको अधिकार मिल जाएंगे इससे बनोगे? नहीं, अधिकार तो हमें दे रखे, ठीक है। आप अच्छे इंसान तब बनोगे जब आप कुछ अच्छा कार्य करोगे, आपके कुछ कर्तव्य हैं उनका पालन करोगे, आप अच्छे बनोगे। वो तो आपके लिए लागू है, कहीं फलानियों आदमी बहुत अच्छा है, इनको मतलब जो कर्तव्य है वो उनका पालन कर रहा है, अपने धर्म पे चल रहा है, कर्तव्यों का पालन कर रहा है। लेकिन एक राज्य अच्छा कब होगा? एक राज्य अच्छा तब होगा जब वो इन कर्तव्यों का पालन करेगा। बस उन कर्तव्यों का नाम नीति निदेशक तत्व तो निकाल दी, बस इतना ही अंतर है। एक राज्य तभी अच्छा राज्य कहलाएगा जब वो अपनी जनता को ये तत्व देगा। लागू करवाना जरूरी नहीं है, आप कर्तव्य का पालन न करो। जैसे एक कर्तव्य हो गया कि हम जो है हमारे जितने भी महापुरुष उन सबका आदर करेंगे, नहीं करो तो नहीं करो भाई, ये थोड़ी है कि आपसे लागू करवाए जाए, नहीं, ये आपका कर्तव्य। तो ये जो नीति निदेशक है, अधिकार अगर आपको नहीं मिले आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन राज्य का जैसे कोई नीति निदेशक तत्व है, जैसे सबको नौकरी देना, रोजगार देना, अगर सरकार नहीं दे पाए तो इसके लिए तुम कोर्ट नहीं जा सकते। वही बात है, ये भी राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी सिचुएशन अपनी स्थिति के आधार पर। एक राज्य अच्छा तभी बनेगा जब वो नीति निदेशक तत्वों का पालन करेगा। एक व्यक्ति अच्छा तब बनेगा जब मूल कर्तव्यों का, जबकि अधिकार तो हमें मिले हुए हैं। अब चलते हैं, अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत कुछ आपके समझ में आ जाएगा। चलो आगे चल, देखिए पूरा मिट गया, अंडू कैसे होगा? ये होगा, पूरा नहीं मिटाना है तो थोड़ा सो किया टावर कम चलाना हो, यहां बुरो ना मानिए गुरु जी की टेम खराब थे, यहां कर दूंगा बात तो बठी घूम फिर के आगे नाम लाइव ले लिया, लाइव भी ले लेंगे, आप आएंगे प्रश्न उत्तरी लाइव करांगा। देखो नीति निदेशक तत्व की आप परिभाषा समझ चुके हो, यानी राज्य के कुछ कर्तव्य है जिनका अगर राज्य ने पालन कर लिया तो वो एक अच्छा राज्य कहलाएगा, वही नीति निदेशक तत्व है। ये दिमाग में कहां से उपज आई? देखिए ये है हमारे भाग चार में, सारे भागों को बाद में रटाऊंगा, लेकिन मूल अधिकार तीन है, अधिकार के बाद राज्य के कर्तव्य, फिर व्यक्ति के कर्तव्य, यानी अधिकार चार, चार कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद 36 से 51। देखो ये चीजें रटने वाली है, कहां से लिए? विश्व में एकमात्र देश है आयरलैंड, विश्व में एकमात्र, नहीं सर दो हो गए, भारत और हो गया, विश्व का एकमात्र ही देश आयरलैंड जहां नीति निदेशक तत्व है, बाकी विश्व में नीति निदेशक तत्वों का कहीं जिक्र नहीं है। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने सबका संविधान पढ़ लिया, आयरलैंड तक का पढ़ लिया, बोले रहा तो नई चीज है आपने ले लो, विश्व के कहीं नहीं है और नीति निदेशक तत्व है ओनली फॉर आयरलैंड है।
यानी विश्व के सिर्फ दो ही देशों के संविधान में नीति निदेशक तत्व है, हमने आयरलैंड से उठाया तो एक आयरलैंड हो गया, एक भारत हो गया। नीति निदेशक तत्व भाग चार अनुच्छेद 36, 51, 36, 51, 36, 51 रटने वाली चीजें हैं, ये मेन मेन चीजें हैं, ये बाद की बातें तो बाद में करेंगे। कहां से लिए गए नीति निदेशक तत्व? आयरलैंड से लिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जिक्र 1935 के अधिनियम में ही था जिसे अनुदेश प्रपत्र कहा गया था। 1935 के अनुदेश प्रपत्र के अंदर था जिसे नीति निदेशक के रूप में स्थान मिला है। बात एक समझ में आई कि आयरलैंड और इसके अलावा कहीं पर भी नीति निदेशक तत्वों का जिक्र नहीं है। किस लिए है? एक अच्छा राज्य बने, कल्याणकारी राज्य, यानी किसके लिए हो गई है? ये कल्याणकारी राज्य के लिए है, कल्याणकारी राज्य के लिए। अब एक चीज पहले बताई, आप कर्तव्य का पालन न करो तो न करो, राज्य भी अपने कर्तव्य का पालन न करे तो न करे, इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, अधिकारों के लिए तुम जा सकते हो। तो इसकी देखो कुछ विशेषता, देखो इसकी दो तीन चीजें, जल्दी शुरू करें इसको। देखो नंबर एक, राज्य द्वारा यानी ये वैधानिक शक्ति नहीं है। ये बात तो आपके समझ में आ गई, जब नीति निदेशक की परिभाषा समझ में आएगी तो आ जाएगी। बस ये राज्य का एक कर्तव्य है, तत्वों को लागू करना, प्रयोग करना राज्य का एक कर्तव्य, जैसे व्यक्ति के कर्तव्य है, व्यक्ति न माने तो न माने, वही बात यहां पर है। अच्छा व्यक्ति बनना है तो कर्तव्यों का पालन करो, अच्छा राज्य बनना है तो नीति निदेशक तत्वों का पालन करो। और ये क्या है? वाद योग्य नहीं है, सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में है, वाद योग्य नहीं है। नीति निदेशक तत्व भाग चार अनुच्छेद 36 से 51 कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। राज्य को लागू यानी वादी यानी आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। अब देखो इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो अगर आप डीपली एग्जामों की तैयारी करो तो वहां पर आपके काम आएंगे। एक दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नीति निदेशक तत्व के बारे में कुछ परिभाषाएं दी, देखिए कौन कौन किस किस ने दी। नंबर पहली के टी सा, पूरी लिख लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। के टी सा ये कहता है कि नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। सर समझा, जैसे सबका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सबको फ्री में दवाइयां वगैरह मिलनी चाहिए, अच्छा राज्य बनेगा इससे। लेकिन मान लो राज्य को खजानों ही खाली हुए, राज्य आ गए दे कौन नहीं व्यवस्था कर पाऊं यार, मैं कौन कर पाऊं, तो नहीं कर पाऊं तो नहीं कर पाए, उसके पास पैसे नहीं है तो बैंक की सुविधा पर रुपया है तो नीति निदेशक का सारा लागू कर देगा राज्य, नहीं है तो नहीं है। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है के टी सा। आगे चलते थे नंबर दो, हमारे अंबेडकर जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की एक न्यारी विशेषता है ये, यानी क्या है? अनोखी विशेषता। नीति निदेशक के बारे में अंबेडकर जी ने कहा कि ये एक अनोखी, केटी शाह ने क्या कहा? बैंक का रुपया है तो सुविधा दे, वो राज्य तभी देगा। और अंबेडकर जी ने कहा कि यह एक न्यारी है। जी ऑस्टिन ने क्या कहा? नीति निदेशक भारतीय संविधान की आत्मा है। अरे सर आत्मा क्या क्या है? आई तो बात है, प्रस्तावना भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, वैधानिक उपचारों का अधिकार भी आत्मा है। तो देखिए जी ऑस्टिन ने किसके लिए कहा? नीति निदेशक के लिए क्या कहा? कि ये आत्मा है। टी कृष्णाचारी क्या कहा? नीति निदेशक तत्व भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी। कोई जरूरी नहीं है, याद करो कर लिया जी, के याद करना, के भी को याद करना। नीति निदेश तत्व भाग चार 36 से 51 आयरलैंड से लेकर, तीन चीजें ही है। अब देखो पीछे जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई और भी कई एग्जाम में हुई, उनमें कई बार वो या तो ये पूछ लेता है निम्न से नीति निदेश तत्व, या फिर कुछ नीति निदेशक तत्व बड़े इंपॉर्टेंट है जो चर्चा में रहते हैं, हम सबसे पहले वो ही देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। यानी 36 से 51 में सारे बताऊंगा, लेकिन पहले वो बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले वही भाई, आप पहली बार मान लो नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे हो, आपको तो नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, लेकिन पढ़ाने वाले को इस चीज का पता होता है कि इसमें यह चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं नीति निदेशक में आपको वो चीजें बता रहा हूं, वो अनुच्छेद बता रहा हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 242, फिर प्लस दो
44 फिर प्लस 4 48 48 के 48 के फिर 50 और फिर इकहठ, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। बाकी 36 से 51 हम सारे याद कर पाए कि नहीं कर पाए कोई जरूरी नहीं है बस, लेकिन ये इतने तो याद वाई ए डी रहने ही चाहिए, याद रहने ही चाहिए। देखो सिर्फ पढ़ाई हो रही है उधर बातें नहीं हो रही है। चलो सबसे पहले लास्ट, जब हम देश से बाहर निकलते हैं तो बाहरी देश आ जाता है, सबसे लास्ट में जो आता है 51 अनुच्छेद है, तो वो किस में आ गया, वो तो सबसे लास्ट में आ गया, पहले लास्ट वाला याद कर लेते हैं। ये किससे संबंधित आ गया, यानी हम राष्ट्र से ही बाहर निकल गए 51 के अंदर, यानी इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय शांति व और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी राज्य का ये कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करे। किस किस प्रकार के प्रयास करे, देखिए प्रयास जो करेगा अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि करेगा। आप होने का राजस्थान भी ईशा काम करने लाग जाकर पाकिस्तान से लड़ाई चालू हो जाए, क्योंकि अपनी बॉर्डर लागे अपना ईशा कारनामा चालू कर दिया पाकिस्तान ने भड़काना जी, ना ना वो अपने राज्य को कर्तव्य कौन नहीं हो, अंतरराष्ट्रीय शांति में अपन भी सहयोग देना है वो ना, आप होने का बट दगड़ फेंकिया आपको मतीरिया फेंकिया क्योंकि आप मतीरिया का लड़ पड़ा। नंबर दो, राष्ट्रों के बीच न्याय व सम्मानपूर्ण संबंध होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानून में जो संधियां बनी है, हो सकती है वो संधि आपके पक्ष की न हो, लेकिन फिर भी उस अंतरराष्ट्रीय संधि का आपको क्या करना है, सम्मान करना है, वत्स आपको आदर करना है। और अगर कोई दो देश मध्यस्थता कर रहे हैं, जिया मान लो पाकिस्तान अफगानिस्तान है, बंग बीच संधि हो रही है, भारत आपकी रड़क काटने में बैठ जाएगा, पाकिस्तान साग अपनी बने कोई नहीं, अफगानिस्तान साग अपनी ठीक ठाक है, दिया मान लो तो आप कह दिया कहेंगे रड़क काटा, अंतरराष्ट्रीय संधि हो रही है तो आगे बीच में समझौता कराओ, शांति कराओ, ना कि आन भड़काना चालू कर दियो, समझिए। चौथा ये भी लिख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय झगड़ों की मध्यस्थता सुलझाने को प्रोत्साहित करना, यानी मैं ये बता रहा हूं कि अनुच्छेद कितने हैं, ये इतने अनुच्छेद बड़े ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बताएं, अनुच्छेद सबसे लास्ट का 51, 51 लास्ट का मतलब बाहर चले गए, बाहर का मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंधों की ओर चले गए, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर वाले अनुच्छेद कौन कौन से इंपॉर्टेंट, 40 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा भी आपको रटना पड़ेगा 40 को, 40 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, 14 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा राज्य, कि किसी राज्य में नहीं है तो नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन भी जरूरी होता है एक अच्छे राज्य के लिए। छोटा मोटा फेसबुक का राज्य का नेता है, बंद चुनाव लड़ने मौको मिल जाते, बताओ फेसबुक या नेता ने एमएलए एमपी टिकट तो कोई दे को नहीं, पर बोचो करके सरपंच की तो ले ही ले थोड़ो सोरो खड़े हो इसके, तो भाई बात है। तो पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, यानी आ याद रख लो कि थारे गांव को जो सरपंच है नहीं, लगभग महिलाओं का 50% एक मां, तो थारे गांव को सरपंच कितना साल हुआ है, 40 साल हुआ है लगभग, 40 ही लाते को एवरेज 41 साल हुए यार, आदमी जो 35 हुए तो 40 को बोले, 45 हुए तो 40 को बोले। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का, अब सरपंच बनता है टाबरिया हो गया 42 के अंदर क्या है, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, ये कई बार पूछ लेते, प्रसूति सहायता का उपबंध है, यानी व्यक्ति से जो आप कार्य करवा रहे हो बेचारे के अनुकूल होना चाहिए वो कार्य, भाई कोई प्रेग्नेंट महिला है तो ये नहीं है कि आप उससे कार्य करवाओगे, भाई अब उसके प्रतिकूल स्थिति है आपको उससे कार्य नहीं करवाना है उससे आपको, यानी ये प्रसूति आपसे एग्जाम में प्रसूति सहायता पूछे, लेकिन इसमें मैन ये था कि व्यक्ति को कार्य उसी के अनुकूल ही होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति, ये राज्य का एक कर्तव्य बनता है, देने को दे सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आज महामारी के बीच में भी कई बार राज्य ने कह दिया, मान लो या कह दे भी बीमार हो तो हो लेकिन सेवा करनी पड़ेगी थान, लेकिन ये सही नहीं है, आदेश दे दे तो दे दे, राज्य है आदेश दे दे, ले यानी प्रसूति सहायता, समझ गया, प्रसूति सहायता मतलब 6 महीना की जच्चा बच्चा सुरक्षित 6 महीना छुट्टी दे ही जानी, क्यों, क्योंकि उस समय उसकी परिस्थिति विपरीत है। तो प्रसूति सहायता किसमें, 42 प्रसूति सहायता, ये 44 बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, थरगाम को सरपंच कितना साल बैठा हो, 40 साल हो, फिर दो सरपंच बनता है 2-1 साल बाद में टाबरी होगी, प्रसूति सहायता होगी, यानी 42 44 ने मैं किया याद रखियो, बराबर है 4-4 ई हिसाब ही मैं याद कर रहा क्यों, ई थे रख लियो बराबर को, मतलब अनुच्छेद 44 में है समान
नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता समान होगी, चार समान है, चार चार दोनों समान है, आगे पीछे तो कौन, चार चार समान नागरिक संहिता बड़ा चर्चित रहता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यही याद रहे जो गुरु जी, चार चार है मारा आराम याद रहे, थी चिंता करने की बात होनी। 40 साल को सरपंच है, 2 साल बाद में प्रसूति सहायता है, 44 बराबर है, यानी क्या हो गया समान नागरिक संहिता। 48 भी इंपॉर्टेंट है, बिया देखे तो, बिया नहीं देखे तो ना देखो। 48 कह तो आपको वैसे भी जैसे जब वन्य जीव अभयारण्य वगैरह पढ़ाई जाती है तो इसका जिक्र वहां पर भी होता है। सर ऐसा क्या है इसमें है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण यानी इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, पहले 48 था। तो सर 48 में क्या था वो भी बता देंगे भाई, 48 में क्या था दोनों का साथ ही जिक्र करेंगे। 48 में क्या था वो और देखो, क्योंकि 48 का है तो आपको रटना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। कृषि और पशुपालन संगठन, यानी कृषि में आधुनिक, जी हाँ कई बार सरकार करे नहीं, जी हाँ ट्रैक्टरों पर विशेष छूट देगी क्या सरकार, कोई भी व्यक्ति ट्रैक्टर लेना चाहो तो, क्यों, क्योंकि कृषि में भी कुछ ऐसा करते जाओ भाई, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास करती है, और इसी में आप किसी भी पशु को बंद भी नहीं कर सकते। बंद रोकना, बंद रोकना मतलब केवे बाकोंदे खेड़ीगे, बाबा जाने सबके मन की बात, नीचे ले जाए शुद्धिकरण कर दे, तो पशु का भी नहीं कर सकते आप बेचारा, बिन्ने भी तो वंश लाना, बिन्ने भी तो आप टाबरान, वो भी तो आचाव है कि मेरा टाबर नाम ले काल ले वंश मेरे क्या चालो, तो वो भी नहीं कर सकते, वो 48 के अंदर ही है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि पशुपालन, और उस कृषि पशुपालन में भी हम पर्यावरण की बात कर लेंगे, क्यों कृषि संबंधित या पर्यावरण, तो 48 कह, तो 48 और 48 कह दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 48 कह रटोगे तो 48 भी रटा जाएगा भाई, पर्यावरण संरक्षण राज्य के लिए बड़ा जरूरी है। आज जो भी नौबत आई है वो सारी इसी वजह से तो आ रही है, क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे तो हमने काट दिए, कहीं ना कहीं प्रकृति को हमने दुख दिया था जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। प्रकृति पर कभी कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, हाँ, तो उसमें सिद्धांत आते हैं, ऐसा एक सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य प्रकृति को विजय प्राप्त कर सकता है, और एक सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य कभी प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। देख लो विजय प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो प्रकृति पे विजय प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। चलो तो ये हो गया पर्यावरण की 48 कह, दोबारा बताओ गुरु जी एक बार, एक रीडिंग और मार दो, दोबारा मार दिया मुनिया के बात है, देख देख मुना, 40 साल गो सरपंच यानी ग्राम पंचायतों का गठन, सरपंच बढ़ता ही टाबरी होगी, प्रसूति सहायता, चार चार यानी समान नागरिक संहिता, चार चार समान नागरिक संहिता, 48 और 48 के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 48 के अंतर तो है कृषि और पशुपालन, 48 के अंदर पर्यावरण, क्यों कृषि पर्यावरण जुड़ेड़ा है। अब 51 बताई दियो, क्योंकि लास्ट ही लास्ट है, तो लास्ट को अंतरराष्ट्रीय संबंध है, लास्ट क्या है, लास्ट अंतरराष्ट्रीय संबंध है, तो 50 के अंदर क्या है, वैसे 50 और 49 दोनों इंपॉर्टेंट है, तो गुरु जी फिर दोनों ही बता दियो थे। देखो 50 और 49 दोनों अगर मैं बताऊं, 50 ये कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होनी चाहिए, पृथक होनी चाहिए, ज्यादा सही काम तभी होगा न्यायपालिका को, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। तो फिर सर 49 में क्या है, वो तो आपने बताया नहीं, 49 ही बता दूंगा, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक स्थान वस्तुओं को संरक्षण देना, जैसे हमारे दुर्ग जो है वो राष्ट्रीय स्मारक है, कहीं पर कोई महान विभूति की मूर्ति लगी है वो राष्ट्रीय स्मारक है, ये नहीं कि आप जब आंदोलन कर रहे हो तो उनको तोड़ना शुरू कर दियो, ना ना फिर थाने तोड़ देगा पुलिस आ रहा, तो अन्य भी संरक्षण देना है, यानी 49 में राष्ट्रीय स्मारक, 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका प्रथम, न्यायपालिका कार्यपालिका प्रथम, न्यायपालिका कार्यपालिका से प्रथम, और 51 में अंतरराष्ट्रीय। गुरु जी और बताओ, एक करोड़ बता दी, ठीक है, बिना कमेंट पढ़ने में टेम खराब कराम, भी तो आप पाठ है पढ़ने में कराना, चल देखो टाबरियो दोबारा बताऊं मैं, हाँ नहीं और वो मिटाना रो सीखनो पड़ेगा, क्या सोचता होगा मैं ना बोलडा बाड़ा हूं, बहुत नॉलेज हूं मैं तो, 6-7 लाख सब्सक्राइबर तो मोबाइल में वीडियो गिर के क्रिएट आया है, हाँ अभाव में जिंदगी ये कैसे जी जाती है, आर्य पुत्र ये कलाम जी से सीखी है, अभाव में कोई कार्य करने का एक अलग आनंद होता है। चलो देखिए सबसे पहले 40 याद करो मेरे साथ, सरपंच बन गयो,
पंचायतों का गठन, सरपंच साहब के दो साल बाद टावर हो गया प्रसूति सहायता, चार चार बराबर बराबर को मतलब क्या हो गया, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता 48 के अंदर कृषि पशुपालन और 48 के यानी पर्यावरण बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और 49 भी है याद करो तो थे कृषि को 49 में राष्ट्रीय स्मारक वगैरह, 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक, कार्यपालिका न्यायपालिका कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, 85 कार्यपालिकाओं को न्यायपालिका से पृथक, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक, और 51 के अंदर अंतरराष्ट्रीय संबंधां भी राज्य ने सहयोग देना है। अब इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट तो तुम बता दिया, 1 2 3 4 5 7 हो गया ठीक है। अब देखो थोड़े बहुत शुरुआत से मैं दोबारा बताता हूं, देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 36 से 51 है, 36 से 51 है। अब आपको सिर्फ समझना है, कई बार ऐसे पूछ लेता है निम्न ऐसे नीति निदेशक तत्व नहीं है, जैसे निम्न ऐसे कर्तव्य नहीं है, 2-3 बार आ गया, तो आपको 11 कर्तव्यों का थोड़ा पता होना चाहिए। वैसे ही बाकी अनुच्छेद हो सकता है न पूछे, लेकिन इतना तो आप ध्यान रखना कि ये मूल नीति निदेशक तत्व में 36 के अंदर बता दिया कि राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवा सकते, ठीक है कोई बात नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए लोक कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, वैसी कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फिर है अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी राज्य कुछ तत्व जैसे न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ये किसके अंदर है, ये 39 के अंदर है, निःशुल्क विधिक सहायता, समझ गया कि निःशुल्क विधि यानी विधिक सहायता, समझ गया। मान लो कोई गरीब है वो बेचारा है पर केस हो गया तो बिन सरकार सहायता देनी चाहिए, इस तरीके वो होते 39 के, ठीक है। 40 पट्टी लिया पंचायतों का गठन, 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा व लोक सहायता पाना, यानी आपसे पूछ ले कि मनरेगा किस में आएगा तो अनुच्छेद 41 के अंदर आएगा। सरपंच बने हो मनरेगा चलाई टाबर हो गयो, 40 41 42 यानी इसमें यह कहा गया है कि 41 के अंदर यह कहा है कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का व्यक्ति को अधिकार है, और मनरेगा जो चलाई है वो अनुच्छेद 41 ये पूछ सकते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अनुच्छेद 42 हो ही गया प्रसूति सहायता, फिर बाकी देख लो आप, ये है कर्मकारों के लिए जीवन निर्वाह की मजदूरी, यानी कुटीर उद्योग वगैरह बढ़ावा है, ये है मजदूरों वगैरह के लिए उनका जीवन यापन करें उनको कुछ ना कुछ देना, वो होता है अनुच्छेद 44 हो गया। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपन, 45 बालकों के लिए ये कई जगह आया है, अधिकारों के अंदर भी है कोई बात नहीं। 46 में क्या कहा गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्ग, कोई भी कमजोर वर्ग है, दुर्बल वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हित, एससी एसटी के हितों से संबंधित है, उनके साथ शोषण नहीं होना चाहिए उस समय, ऐसा उपबंध है अनुच्छेद 46 ठीक है। अब सिर्फ ध्यान में रख लेना आप इनको, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 47 यानी मादक पदार्थों पर जो रोक लगा है वो अनुच्छेद 47 के तहत ही है। बात अलग है कि इकोनॉमिक बढ़ाना जी चीज है, दारू वगैरह बंद कौन करे चाहे कोई सिचुएशन आ जाओ, लेकिन बाकी मादक पदार्थ है वह करना जी, तो दारू वगैरह बंद करो वो भी किंग अंदर आओगे, वो भी राज्य को एक कर्तव्य है। ओ 48 बताई दिया, 49 बताई दिया, 50 बताई दिया, 51 बताई दिया, यार और नहीं तो मैंने मेहनत याद करी है, मैं इतनी मेहनत करी है, हाँ बड़ा भर लो हूँ, बड़ा फोन भर लिया तो याद कर लियो, 40 पंचायत मनरेगा 41 प्रसूति सहायता 42 समान नागरिक संहिता 44 के बाद कौन सा बताया इम्पॉर्टेंट 48 कृषि कार्य वो 48 के पर्यावरण संरक्षण 49 राष्ट्रीय स्मारक वगैरह 50 न्यायपालिका कार्यपाले पर राष्ट्रीय कौन सा नितिन तो कितना का पॉलिटिकल दोरी है दोरी है दोरी की दोरी को नहीं। और एक चीज और ध्यान रखियो, इनके अलावा भी एक दो उपबंध और है जहां पर नीति निदेशक के अंदर शामिल है सर, इसे कौन सा है जी हाँ अनुच्छेद 350 है, मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होगी, ये अनुच्छेद 350 ये भी राज्य के एक तरीके का नीति निदेशक। अनुच्छेद 351
संघ का एक कर्तव्य है हिंदी भाषा का प्रसार विकास के लिए कार्य करेगा, यह भी एक तरीके का नीति निदेशक तत्व में शामिल है। नीति निदेशक से बाहर लेकिन एक प्रकार का नीति निदेशक। अब मैं एक अंतर बताता हूं, देखिए इधर मैं लिखता हूं मूल अधिकार और इधर लिखता हूं मैं नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व समझिए, ये तीन में है भाग और ये चार क्या है। देखिए ये मूल अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय है, जबकि न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कोर्ट इनको लागू नहीं करवाएगा। सरकार अगर प्रसूति सहायता नहीं देती है तो नहीं देती, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। जबकि आपके साथ कोई छुआछूत करता है, अस्पृश्यताकांत है, छुआछूत करता है, कोर्ट जा सकते हो। यानी अधिकार जो है वो कोर्ट लागू करवाएगा, इन्हें लागू नहीं करवाएगा, ये राज्य पे डिपेंड है। यानी मेरा कोई कर्तव्य मैं पालन करूं न करूं वो ये राज्य का भी एक तरीके का कर्तव्य है। नंबर एक ये हुआ। नंबर दो, इसकी प्रकृति नकारात्मक है जबकि इसकी प्रकृति क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। ये अधिकार जो है वो व्यक्ति से संबंधित है जबकि ये राज्य से संबंधित है। बता दिए राज्य का एक तरीके का कर्तव्य है। अगर आपके परिभाषा संबंध में आ गई, इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना जबकि इसका है लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अच्छा राज्य बनेगा कल्याणकारी। ये निलंबित भी हो सकते हैं, किसको छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के। अब के निलंबित किए हो, निलंबित नहीं किया जा सकता। अब बताओ आपके क्या समझ में नहीं, क्या नहीं आया, क्या नीति निदेशक नहीं आई? इतने इजी हैं यार, नीति निदेशक भाग चार अनुच्छेद 36-51 आयरलैंड से लिए गए। फिर सबसे पहले 40 बता दिया पंचायत, 41 मनरेगा, 42 प्रसूति सहायता, 44 सम्मान नागरिक सीमन सहिता, 48 के अंदर कृषि, 48 का पर्यावरण, फिर 49 है राष्ट्रीय स्मारक वगैरह, 50 न्यायपालिका का, 51। अब बताना कैसा लगा आपको। ओके, थैंक यू।